जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर, डेली का राशिफल लेकर। राशिफल की चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी का ध्यान उन सभी पुलिस वालों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जो आप सभी लोग जिन्हें गोली और डंडे के नाम से जानते थे, वही पुलिस वाले आज मानवता की अद्भुत मिसाल बनकर निसहाय, गरीब, परेशान, भूखे और लाचार लोगों को बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में जगह जगह पर भोजन करा रहे हैं, बहुत प्यार से करा रहे हैं। उनकी रूडनेस एक्चुअल में हमारे लिए होती भी नहीं है, होती है दुष्टों के लिए, समाज के दुश्मनों के लिए। ये गोली और डंडा आतंकवादियों के लिए है, समाज के दुश्मनों के लिए है, दुष्ट और आताताई लोगों के लिए है और हम सबकी सुरक्षा करने के लिए है। किंतु कुछ लोग, जब हम लोग इस बात को एस्ट्रोलॉजी की नजर से देखते हैं, तो यहाँ पर जब भी मैंने किसी को देखा है कि उसने पुलिस वालों के लिए कुछ अनाप शनाप बातें की हैं कि पुलिस हमें नाजायज रूप से परेशान करती है, तो जब मैंने उसके कर्म और उसके ग्रहों को देखा है तो उसमें एक कर्म या एक ग्रह ऐसा तो कम से कम देखा है कि पुलिस से संबंधित ग्रह उसका, उसकी जन्म कुंडली में खराब है। जब वो ग्रह खराब होगा तो पीड़ा तो देता ही है ना। विशेष रूप से मैं मंगल ग्रह की बात कर रहा हूं। जब भी मंगल खराब होगा, जिन लोगों के लिए भी मंगल खराब होगा, निश्चित रूप से पुलिस से उसे पीड़ा की प्राप्ति होगी, मगर उसके गलत कर्मों की वजह से। चाहे वो कर्म वो अभी कर रहा हो, थोड़े दिन पहले किए हो, या पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल हो, उसे वो कर्मों का फल तो प्राप्त होना निश्चित है जो उसने जन्म कुंडली में लिखाए हुए हैं। इस कोरोना नामक बीमारी में पुलिस वालों द्वारा किए जा रहे इस अद्भुत कृत्य के लिए, इस सराहनीय कृत्य के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हृदय से सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। इसके साथ ही कोरोना नामक बीमारी पर और बहुत सारी अन्य महामारियों पर मैंने 3 वीडियो दिए हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, कैसे कोरोना का जन्म हुआ, कहां से आया ये कोरोना, किन ग्रहों के प्रकोप की वजह से ये महामारी का जन्म हुआ। ऐसे पहले भी ये महामारियां जन्म ले चुकी हैं, कभी प्लेग के रूप में, कभी हैजा के रूप में, जब उसने लाखों लोगों को इस दुनिया से अलविदा कर दिया था। कॉलरा नामक बीमारी का अटैक तो अलग अलग समय पर 3 बार बहुत भयंकर रूप से हुआ है, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं। HIV एड्स का भी अटैक बहुत बुरी तरीके से हुआ है, जिसमें 1920 से लेकर अब तक करोड़ों लोग मारे जा चुके हैं। प्लेग का अटैक भी बहुत अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग देशों में भयंकर रूप से हुआ, जहां लाखों लोगों के काल के गाल में समा गए थे। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपका दैनिक पंचांग। आज 1 अप्रैल है सन 2020, विक्रम संवत 2077, अष्टमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है चैत्र मास का। आसमान में शोभन नाम का योग बना हुआ है, बुधवार का शुभ दिन है और आद्र नक्षत्र है। राहु काल जो है वो दोपहर में 12:25 से लेकर 1:59 तक रहने वाला है। तो इस राहु काल के दौरान आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि कोई भी शुभ कृत्य का आयोजन ना करें, कोई भी शुभ कृत्य ना करें, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि राहु काल के दौरान किए गए शुभ कर्म अपना विपरीत फल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात
करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों अपने पैरों पर कंट्रोल करो, कहीं भी घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना नामक इस बीमारी ने सबको संकट में डाल रखा है। तो आप किसी संकट में ना फंसे, चाहे यात्रा का योग बन भी रहा हो तो आप उसको टालने का भरपूर प्रयास करें और सुरक्षित रहें, किसी उलझन में फंसने की चेष्टा ना करें, मानसिक रूप से किसी दबाव में आने की चेष्टा ना करें। परिवारजनों के साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करें, उलझनों को दूर करने की व्यवस्था करें। बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध हैं, आपके जीवन में खुशियों का कोई न्योता लेकर आने वाले हैं। आपको अचानक से सरकार से नौकरी की, प्रमोशन की, किसी सरकारी टेंडर की या किसी इंटरव्यू की खुशी प्राप्त हो सकती है। तो भाई बहनों का सहयोग लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर आप इस खुशी को शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं माता के साथ आपके संबंध, माता का साथ, माता का आशीर्वाद आपके भाग्य का निर्माण कर रहा है, तो माता का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने भाग्य में वृद्धि करते रहिए। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जिन स्टूडेंट्स का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते, तो बिना किसी जीए के स्कीम पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित करें। हम न सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा न सिर्फ आपके पहले से ज्यादा नंबर दिलाया करेंगे, अपितु आपका मन पढ़ने लिखने में भी लगने लगेगा, इस बात की गारंटी देते हैं। और उन सभी लोगों से जो हमारे यहाँ से फ्री कंसल्टेशन पाना चाहते हैं, उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे बिना किसी झिझक के डिस्क्रिप्शन में जो हमारी मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां जाकर आप स्वामी जी से और साधक साधिकाओं से फ्री एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अड़चने, कुछ इम्पोटेंसी से संबंधित समस्या अचानक से आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, तो उसके लिए किसी योगी चिकित्सक से आपको बात करनी चाहिए। किंतु अगर आप चाहें तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। बात करते हैं जीवन साथी से संबंधित, अचानक से जीवन साथी से संबंधित ग्रह के नीच राशि में चले जाने के कारण आपको कुछ अड़चन आ सकती है। पहले ही आप मानसिक उलझनों से घिरे हुए, अचानक से ये परेशानी भी आकर आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। जीवन साथी के गुस्से से बचने का प्रयास करें, अन्यथा अनावश्यक रूप से आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। बात करते हैं ससुराल से संबंधित, अचानक से कोई बुरी सूचना, कोई परेशानी वाली बात आकर आपको व्यथित कर सकती है। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप इस समय किसी भी प्रकार के झगड़ों से, कोर्ट कचहरी इत्यादि से या पुलिस वालों से किसी भी रूप में उलझने का कोई प्रयास न करें, कानून को तोड़ने का कोई प्रयास न करें, अन्यथा आपको और अधिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल के हालात, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, भाई बहनों की सलाह मानकर निश्चित रूप से उनमें सुधार होगा, तो उस सुधार का फायदा उठाकर आप आगे बढ़ सकते। मेरा नाम हरिपाल है, मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं लगभग एक महीने पहले यहाँ गुरुजी के पास आया था, तो उस समय मैं बिल्कुल जीरो हो रखा था, जैसे मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही गुरुजी ने मेरी कुंडली देख के मेरे को बताया कि सारे ग्रह खराब हैं, तो उनके अनुसार से जो उन्होंने मेरे को उपाय करने के लिए बताया और ये जो रिंग्स पहन रखी है मैंने, उन्होंने डालने के लिए बोला और मैंने उनको फॉलो किया, और फॉलो होने के बाद में मेरे को कम से कम 20 से 22 दिन में मेरे को रिजल्ट मिलने शुरू हुए। और आज मेरे इमिग्रेशन के काम में मेरे कम से कम भी 5 वीजा हो चुके हैं मेरे, अभी और भी काम हो रहे हैं मेरे बाकी। और लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मार्केट में बहुत सारे फेक लोग घूमते हैं जो कि दावे करते हैं कि मैं ये हम ये पहनाते हैं, वो करते हैं, मैं बहुत ज्यादा घूमा हूँ। लेकिन मैं सबसे ये विनती करता हूँ, साधन निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ आओ, गुरुजी को एक बार अवसर दो, आप अपनी जन्मकुंडली दिखाएं और जैसे गुरुजी बोले वैसे करो, आपको जरूर फायदा होगा। आमदनी की बात करें तो आमदनी के हालात इस समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपको आमदनी के प्रति अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो रखी या जिनकी जीवन साथी के साथ बहुत अड़चन रहती है या जिनकी संतान नहीं है, तो उन सभी लोग जो इस विषय में चक्कर लगा लगा कर छक चुके हैं, चाहे डॉक्टरों के चक्कर लगा चुके हों, चाहे शादी.com पर चक्कर लगा लगा कर थक चुके हों, चाहे जीवन साथी के साथ संबंध सुधारने के लिए सारे प्रयास कर चुके हों, तो उन सभी लोगों से कहना चाहेंगे अगर वो एस्ट्रोलॉजी के
छोटे छोटे उपाय करके अपनी जन्म कुंडली के द्वारा, और जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने चेहरा दिखा के अगर इस संबंध के में छोटे छोटे उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से संतान की खुशियां आपके घर में किलकारियां बन के गूंज सकती हैं। चाहे वो मिसकैरेज की वजह से ही संतान ना हो पा रही हो, या फिर जीवन साथी के अचानक से आपके जीवन में आगमन आपके जीवन में खुशियां बिखेर सकता है, या दाम्पत्य जीवन की खुशी आपके घर गृहस्थी के जीवन में चार चांद लगा सकती है। तो इन सभी खुशियों को पाने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी के उपायों का सहारा ले सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां बिखेर सकते हैं। अगर आपके ऐसी साथ नहीं मिल पा रहा है, किसी एस्ट्रोलॉजर से आपका परिचय नहीं हो पा रहा है, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या पर्सनली मिलकर, समय जब ठीक हो जाए तो पर्सनली मिलकर हमसे अपनी परेशानियों से संबंधित चर्चा कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं लव टिप्स की, तो आज की जो लव टिप्स है, अगर आप लोग जो लव बर्ड्स हैं, जो लवर्स हैं, जो प्रेमीजन हैं, प्रेमी युगल हैं, अगर आप लोग शुक्र देवता दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात कर रहा हूं मैं, उनकी विधिवत मंत्र पूजा करेंगे 7 दिनों तक, तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। अगर आपके पास शुक्र देवता की विधिवत पूजा विधि नहीं है तो आप बिना किसी झिझक के हमें ईमेल करिए, डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस है, हम आपको ईमेल के माध्यम से वो पूजा विधि मुफ्त में ही भेज देंगे। जो हमारी अपनी बनाई हुई छोटी सी पूजा विधि है, उसे करने से, प्रॉपर तरीके से करने से, जो विधान बताया उस तरीके से करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में सुधार होगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। किंतु जो लोग ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों से कहना चाहेंगे बिना किसी चीज के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप एक बार हमसे संपर्क स्थापित कीजिए। हम आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपके चेहरे के अनुसार, आपकी परेशानियों के अनुसार आपको उपाय देंगे। उन उपायों से निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशियां लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।